तो चलिए हम बात करते हैं। अभी अभी मुझे प्रोजेक्ट मिला, जाहिद जी से भी मिला और उनसे मिला, उन तो आप दोनों ने अधूरा प्रोजेक्ट किया, आपने पूरा का पूरा फ्यूचर्स को नहीं देखा। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ नेम और यहाँ डेट और यहाँ टाइम डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे कोई यहाँ एंट्री करे पूजा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट आ जाए और उसके बगल में टाइम आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए जाएंगे हम कहाँ पे, राइट क्लिक करके व्यू कोड में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वर्कशीट और सिलेक्शन के जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे चेंज, राइट। अब यहाँ पे दिख रहा है ये आपको टारगेट एज अरेंज कर रहा है, मतलब टारगेट क्या हुआ कि जिस पे आप कर्सर रखोगे दैट कॉल टारगेट, जिस पे आप टाइप करोगे वो सेल दैट कॉल टारगेट, समझ गए। तो यहां पे आप सिंपल लिखोगे टारगेट डॉट ऑफसेट, ऑफसेट में आप करोगे 0.1 डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट, और फिर इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करोगे और लिखोगे टू टाइम, समझ गए सर। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपका ये माइक्रो कब रन होगा, चेंज होने पर रन हो रहा है, तो यहाँ पे एक अनस्टॉपेबल चैन रिएक्शन शुरू होगा। कैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे टाइप करेंगे तो माइक्रो क्या करेगा, इस पर टाइप कर देगा, राइट। अब इस पर टाइप होना भी चेंज कहलाएगा, फिर जो है आपको बोलेगा माइक्रो को फिर वापस बोलेगा इस पर टाइप करने के लिए, मतलब माइक्रो स्टॉप होने का चांस ही नहीं है। मतलब कि हमने यहाँ बोला कि भाई ए और बी है, हमने बोला कि अगर बी तुमको अगर मान लीजिए कि बी अगर ए अगर हरकत करे तो बी भी हरकत करे, और बी को हमने बोल दिया कि अगर बी हरकत करे तो ए भी हरकत करे, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सर। क्या लग रहा है कि अगर ए ने हरकत करना शुरू किया तो ये रुकेगा चैन, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि ए ने कोई कुछ मूवमेंट की तो बी भी मूवमेंट करेगा। अब बी ए को बोला गया है कि अगर बी मूवमेंट कर रहा है तो बी मूवमेंट करो, ये दूसरे के आपस में मूवमेंट करते रह जाएंगे। तो ये बोला गया है कि अगर आप कहीं अगर सीट में चेंज होता है तो डेट डालो, डेट डालना भी तो चेंज है, जैसे डेट डलेगा एक और चेंज हो जाएगा, फिर डेट डलेगा, फिर डेट डलेगा, फिर डेट डलेगा, मतलब कि स्टॉप ही नहीं होगा, आपका एक्सेल हैंग हो जाएगा और बाद में बंद हो जाएगा। यही है हाल आपके साथ हुआ है विजय जी, समझ में आया आपको क्या प्रॉब्लम थी आपकी? यस सर, यस सर। तो हमें क्या करना होगा कि ऐसा कुछ करना होगा कि टाइप करने के बाद मेरा इवेंट करने वाला सिस्टम ना मिले, जिसने जाहिद जी ने किया था। उन्होंने क्या किया, जाहिद जी आपने क्या लिखा था, एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट, ये किया था ना आपने, इवेंट एनेबल इवेंट इक्वल टू, उन्होंने फॉल्स कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई जो इवेंट का जो सिस्टम है, इवेंट माइक्रो चलने वाला जो सिस्टम है वो बंद कर दो और फिर चालू कर दो, समझे। तो क्या हुआ कि पहले इवेंट हुआ, जब मैंने टाइप किया तो मेरा माइक्रो ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होते हुए सबसे पहला काम उसने क्या किया, उसने इवेंट को रोक दिया, बोला कि भाई इवेंट तुम रुक जाओ, चल चुके हो ना एक बार, तुम रुक जाओ। फिर इसने अपना काम किया, फिर बाद बोला कि ठीक है चलो, अब इसके बाद इसको कुछ मिला ही नहीं तो चैन रिएक्शन होगा नहीं, आपकी वैल्यू डल जाएगी। देखिए मैं यहां पे पूजा लिखा, एंटर, आ गया मोहन कविता इंदर, क्लियर है, समझे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ चेंज करता हूँ, ओम करता हूँ, तो ये मेरा ओम का ही चेंज हुआ। जाहिद जी आपका क्या था कि अगर मैं यहाँ पे ओम लिखूंगा तो फिर वो नीचे चेंज करेगा, समझे जाहिद जी। सर अगर जी एक सेकंड, मतलब ओके टाइम चेंज कर देगा तो फ्रेम सेम रहेगी तो वो नीचे चेंज करेगा, आपकी प्रॉब्लम तो यही है ना सर, आपने जो बनाया है वो क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा ना सर जी, आपने क्या दिया हुआ कोड 65,000 से ऊपर जाए, तो जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ आएगा ना सर, तो यहाँ डालेगा वैल्यू ना वो जी सर,
बट मान लीजिए मैंने पूजा को चेंज करके पूजा सिंह कर दिया, तो यह पता चल गया कि पूजा जो है वो इतना बजे अपडेट हुआ है, इस तारीख को इतना बजे अपडेट हुआ है। जी सर, समझे? तो सर जैसे जो मैंने बनाया मैक्रो, अगर मान लो मैं उसमें ऊपर कुछ चेंज करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा? ऊपर चेंज करेंगे तो चेंज होगा, लेकिन टाइमिंग नीचे डलेगी। जो मैंने बनाया मैक्रो आपको दिखा देता हूँ, चलिए आपकी फाइल तो ओपन ही है, एक बार देख लेते हैं। जी सर, कोड के देखने से पता चलता है। जैसे यहाँ पे लिखे, मैंने लिखा ओम, एंटर मारा, आ गया सर। लेकिन पूरा चेंज क्यों हो रहा है फिर? तो आपको दिख रहा है कुछ सर? कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है आपको? हाँ सर, वो सेम ले रहा है गड़बड़। तो सर अभी जो टाइमिंग कर रही है वो टाइम्स इक्वल कर दिया है, सबको चेंज कर दिया है इसने। बट सर आप एक बात बताओ, अगर शीट में ओके तो वो अगर एक भी सिंगल चेंज होगा तो वो सब में कर देगा सर? आपका यही कर रहा है ना, आपका क्या कर रहा है? एक बार चेंज हुआ सबको चेंज कर रहा है, इतना ड्रॉबैक हो गया, कर रहा है ना सर। Okay. और दूसरा, चलो अगर ये तो काम सही नहीं कर रहा, आप सही भी कभी कर दोगे तो सही काम कब करेगा ये आपका कोड? दिक्कत क्या होगा कि फिर इतना लंबा कोड है ना सर, इससे बेटर तो मेरा कोड है जस्ट एकदम छोटा। क्या छोटा चीज अच्छा होता है ना सर? लेकिन मेरे कोड में एक प्रॉब्लम है कि अगर मैंने यहाँ भी लिखा ना ओम, इसका आगे लिख दे, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नहीं मैं यहाँ कुछ लिखूँ एक कॉलम में लिखूँ तभी करे, बाकी कहीं लिखूँ तो ना करे, तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए विजुअल बेसिक पे जाते हैं हम, अपने कोड में कुछ नहीं करना है, हमें एक इफ कंडीशन दे देनी है कि इफ एक्टिव सेल डॉट रो इज इक्वल टू वन देन ये चले, अदरवाइज ना चले। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर रहा हूँ तो अब इफेक्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना सर? लेकिन जैसे मैं यहाँ पे करूँगा पूजा, पूजा सिंह, सॉरी एक्टिव सेल नहीं, यहाँ पे टारगेट, सॉरी रो नहीं कॉलन होगा ना यहाँ पे, आ गया सर। अब यहाँ कहीं चेंज करोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ में आया आप लोगों को? रिकॉर्डिंग का परमिशन अब बहुत ज्वाइन किए, लेट ज्वाइन किए सर राम जी। हाँ सर, एक्चुअली वो लेट में सर जो हॉस्पिटल चला गया था अभी, ठीक है, रिलेटेड में उस वे की चार्ज। तो आपका रिकॉर्डिंग का कहाँ आ रहा है परमिशन? इसमें नहीं आ रहा, सुन रहा है। भुवन जी समझ में आया आपको? हेलो भुवन जी। यस सर। अब आपको क्या करना है, और ये अभी करना है आधे घंटे के अंदर, ठीक है? अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऊपर कहीं भी चेंज कर सकता हूँ, अब मुझे इसमें कुछ ऐसा चाहिए कि मैं किस एक बार जब मैं टाइप कर दिया, अगर मैंने ओम टाइप करके एंटर मार दिया, अब ये चेंज नहीं होना चाहिए। मैं इस पर सिर्फ नया एंट्री कर सकता हूँ, पुराने किसी भी एंट्री के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब कि आप जे किसी से डेटा एंट्री करवाना चाहते हो तो आप बोलो भाई जो एंट्री आपको नया एंट्री करना है, पुराना जो एंट्री है उसको कुछ नहीं छेड़ना है। तो आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन वाली ऐसी कोड इसमें डालनी है। हालांकि होगा तो यही जो मैंने किया है, बस इसी कोड में आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन वाली कोड ऐड करनी है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाला, मैंने यहाँ पे लिखा इंदर, अब ये प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए। मैं इसके नीचे एंट्री कर सकता हूँ, इसके ऊपर एंट्री नहीं कर सकता। मैंने भैया मुझे भेज देना, मुझे मेरे को चाहिए, मुझे भेज देना, मेरा काम का है, मुझे भेज देना। हेलो, क्या बोला सर आपने? नहीं कुछ नहीं सर।
नहीं नहीं कुछ नहीं, वो माइक ऑन रहेगा। ये हो जाएगा आप लोगों से। हेलो हाँ बोलिए जी सर, एक बार जाना सर वहाँ पे कोडिंग पे। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने इसमें कोई एंट्री कर दी वो एंट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ सर वो तो सर आ गया सर, एक बार फिर पूछना है आपसे कोडिंग। क्या बोल रहे हैं तो पूछना है आपसे, एक बार जाओगे? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने इसको देख के तो कर लिया पैकिंग डॉट इनेबल इवेंट, तो सर हम इसको फर्स्ट टाइम फॉल्स क्यों करते हैं? मतलब ये तो हमें ट्रू चाहिए करना और बाद में इसको हमें करना चाहिए फॉल्स? नहीं 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 नहीं, नहीं समझे आप, पहले से बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। ओके बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है तो इनेबल इवेंट इनेबल है, तभी तो ये एक कोड रन किया ना सर। ओके ओके, एक कोड कब रन किया? जब आपने सेल पे चेंज किया, चेंज किया मतलब इवेंट किया, तो आपका ये माइक्रो रन हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बार ये रन हो चुका है तो मुझे अब दोबारा जो मेरा मेरी कोड के जरिए जो एंट्री होगी, कोड के जो चेंजिंग होगी, वो उस पर क्या हो, इवेंट ना परफॉर्म करे। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फॉल्स कर दिया कि सेटिंग फॉल्स हो जाओ, लेकिन जब मैं दोबारा एंट्री करूँ तो फिर से ये माइक्रो कोड चलना चाहिए, इसलिए मैंने सेटिंग को वापस नॉर्मल कर दिया। समझे? और सर मेरी फाइल में कुछ एक दो और क्वेरी है, प्लीज ओपन करो मेरी फाइल। आपकी फाइल में कौन सी फाइल में? सर अभी जो चेंज मैक्रो अभी आपने भेजी है सो, जो ओपन किया था इवेंट वाली। यस सर। क्या इसमें दिक्कत होता है? सर जैसे वीवीआर विद डॉट, सर लास्ट क्लास में आपको एक क्वेरी की थी, जैसे मैं सब फोल्डर की लिस्ट लेके आता हूँ फिर में, तो फर्स्ट लेता है डॉट, सेकंड लेता है डबल डॉट, उसके बाद देता हूँ सारे फोल्डर की लिस्ट, जैसे इसमें है। हाँ इसमें से ही है जो लास्ट लास्ट क्लास तो आपने ये क्वेरी की थी, और फिर जब ये जो सेकंड वीवीआर विदाउट डॉट है उस पर कनेक्ट क्लिक हुआ थर्ड वाली शीट पे, थर्ड शीट पे। हेलो हाँ सर, तो इस पर जब मैं कंडीशन लगाता हूँ तो वो नहीं लेगा, तो सर ये मतलब डॉट और सेकंड डबल डॉट ऐसे क्यों ले रहा है? सेकंड समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? सर मेरी क्वारी ये है, मेरे पास एक डायरेक्टरी है उसे मेरे पास 10 फोल्डर है, ठीक है सर, तो जब मैं उस फोल्डर की लिस्ट लेके आ रहा हूँ अपने एक्सेल शीट पे, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि मेरे पास ये जो ऊपर लिखा था डॉट और सेकंड टाइम डबल डॉट, तो ये भी मुझे दे रहा है वो, उसके बाद मुझे दे रहा है फोल्डर की लिस्ट, तो सर मुझसे मतलब ये पूछना है कि ये डॉट और डबल डॉट क्यों दे रहा है वो मुझे? कोड दिखाई ना मुझे, एक कोड है ऊपर होगा सर इस पे सर। हाँ सर ये इस पे अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ तो वो नहीं लेगा, और जब कंडीशन हटा दूंगा तो, क्योंकि आपने यहाँ पे इसका आगे कोई एक्सटेंशन दिया ही नहीं ना सर इसमें। सर आप फोल्डर लिस्ट आ रहे हैं क्या आप? हाँ सर फोल्डर लिस्ट तो मेरे पास आ रही है, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ फोल्डर लिस्ट तो आ रही है, मेरी क्वेरी ये है कि ये डॉट क्यों दे रहा है सर? ये दो डॉट और डबल डॉट इसे देता हूँ कि दो इसमें ये आपकी इसकी फीचर है, क्या बोलते हैं विंडोज की फीचर है, विंडोज के अंदर शॉर्टकट होता है बैक करने का सर, बैक करने का। हाँ वो हिडन होता है इसलिए, लेकिन वो भी होता है सर। इसके साथ इसका क्या लेंगे मतलब ऐसे क्यों? प्लस प्लस में भी देता था हमको सर, ये पुराना बीमारी है सर, पुरानी बीमारी है ये, विंडोज का सेटिंग है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इस पे कंडीशन लगाई तो फिर उसने मुझे रिमूव कर दीजिए, कंडीशन लगा दीजिए डॉट डबल डॉट ना ले। हां वो तो मैंने लगा दी, और सर वो एक क्या सर वो के मैंने मुझे हर फोल्डर के अंदर जाना है तो मुझे वो चाहिए हर फाइल की लिस्ट चाहिए, तो सर ये फोल्डर लिस्ट आपने लिया तो ये तो मेन फोल्डर की लिस्ट आया होगा ना, इसके अंदर के फोल्डर का नहीं सर, ये नहीं सर ये एक फोल्डर है उस फोल्डर, हां ये डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है उसके अंदर वो है फोल्डर है ये पांच है। अच्छा फोल्डर तो वाला एक काम कीजिए ना राहुल जी, मैं कल जो है ना फोल्डर वाला लिस्ट पे काम करता हूँ और इसका एक बार वीडियो बनाता हूँ, ठीक है सर? दो तीन बच्चों ने दो तीन लोगों ने और बोला है तो मैं एक बार बना देता हूँ आपको समझा उसको समझ जाइएगा, ठीक है? ठीक है चलो ओके गुड नाइट, लेकिन मुझे चाहिए फाइल में मोबाइल पे मैं आप लोगों का व्हाट्सअप देखूंगा, मुझे कुछ नहीं खाली कोड भेज दीजिएगा, फाइल भेजने की जरूरत नहीं है, कोड का फोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है?
यस सर।